अबुद्धेह माम अव्यक्तम, बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम पन्नम मन्यन्ते, व्यक्त में आया हुआ मानते हैं। मम अव्ययम परम, मेरे अविनाशी परम ब्रह्म के अनुत्तमम भावम अजानन्तः, सर्वोत्तम भाव को नहीं पहचान पाते। अबुद्धेह माम अव्यक्तम व्यक्तिम पन्नम मन्यन्ते, मम अव्ययम परम अनुत्तमम भावम अजानन्तः। भावात् बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त अस्थाई रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेशी में आया हुआ मानते हैं, और मेरे 84 के चक्र में सदा ऑलराउंडर अविनाशी परम ब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मात्र भाव को नहीं पहचान पाते, अतः द्वापरयुग से पराधीन ही रहते हैं। फुटनोट, निराकारी चेहरे के बुद्ध क्राइस्ट आदि को ही न पहचानने कारण धर्म के धक्के खिलाते हैं, तो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दीन सुप्रीम शिव को योगेश्वर सनत कुमार में आदिदेव को कैसे पहचानेंगे। छुपा रुस्तम तो बाद में ही खुलेगा ना, बाप गुप्त तो पंडा रूप पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त। वो समझते कुछ भी नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाप कहते हैं मुझे ठिक्कर बेहतर बुद्धियों में ठोक दिए। ठिक्कर बना, एक ठोकर लगे माया की और टूट पड़े, हार्ट फेल हो जाए। ब्रह्मा का क्या हुआ है? थोड़ी सी माया की ठोकर लगी, कोई माया भी पुरुष उसने थोड़ी सी ठोकर लगाई और हार्ट फेल हो गए। अरे योगियों का हार्ट फेल होता है क्या? योगियों का हार्ट मजबूत होता है या फेल होता है? मजबूत होता। अरे जब एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो चिंता किस बात की? पाना था सो पा लिया, तो ठिक्कर में मेरे को ठोक दिया। किसको बताया ठिक्कर? भगवान को किसी में ठिक्कर बता दिया कि भगवान ठिक्कर में आता है? ब्रह्मा में समझ लिया कि ब्रह्मा में भगवान बनकर के आता है। अब ब्रह्मा में कोई भगवान बनकर के थोड़े ही आता है। बाबा को भी बुद्धि में आता है मैं भी ये सृष्टि रचना करूं, ये दुनिया बनाऊं, अपना घर बनाऊं, हाँ तो आते हैं। तो कोई याद आएगा कि नहीं? पहले पहले घर बनाने के लिए कौन याद आता है? पहले माता याद आती है। कौन सी माता? इस दुनिया में तो ढेर की माता है, ढेर की ढेर माता है। कौन सी माता याद आती है? हाँ, परम ब्रह्म। ऐसी माता याद आती है जिससे बड़ी माता सहनशील और दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। एक आत्मा की दो चार आत्मा, एक आत्मा और भी ब्रह्मा नामधारी होते हैं, लेकिन उन सब में जास्ती सहनशील कौन सी आत्मा जिसका नाम, जिसका टाइटल क्या है? परम ब्रह्म। और देखो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कोई श्लोक लिखा हुआ है, याद है कि नहीं? बाबा तो तुम बच्चों को बार बार बताते रहते हैं बोल श्लोक, याद रहा कि नहीं? नहीं रहा क्या? एक अक्षर लिखो बाबा समझ जाएंगे। नहीं याद रहा। अरे एक अक्षर लिखो, नहीं याद रहा। तुम ही हो माता। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा। क्या? हाँ, उसके मुकाबले ये तीन जो मूर्तियां दिखाई जाती हैं, बड़े से बड़े देवता हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो भी इतने बड़े नहीं है। साक्षात जो परम ब्रह्म है, बड़े ते बड़ा ब्रह्मा है, वो सबसे ऊंचा है। तो बताया, सब कहेंगे इस दुनिया में कि अभी क्या है? पत्थर बुद्धि है, तुच्छ बुद्धि, पतित बुद्धि, क्योंकि अभी सतयुग थोड़े ही आ गया है।
यहाँ कलयुग में तो सब पतित बुद्धि होते हैं, चाहे वो अपन को कहें कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, ब्राह्मण बन गए, लेकिन कौन से ब्रह्मा की औलाद है? क्या कहेंगे? अधोमुखी ब्रह्मा की औलाद है या ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा की औलाद है? ऊंच ते ऊंच ब्रह्मा जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है उसकी औलाद है? नहीं, पहचानते ही नहीं है तो औलाद कहाँ से हो गए? पहले तो सभी धर्म पिताओं को धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। क्यों? लोग पहचानते हैं? पहचानते ही नहीं। तो जैसे उन धर्म पिताओं को बाद में पहचाना, ऐसे ये ऊंचते ऊंच जो धर्म की स्थापना करने वाला है, सत्य सनातन धर्म की, उसको भी बाद में पहचानेंगे। धर्म पिताओं को कौन सा होना था जो निराकारी स्टेज में आए थे धर्म स्थापन करने का? धर्म पिताओं को भी धक्के मिले, कितने भी धक्के मिले, लेकिन निराकारी स्टेज होने के कारण उन्होंने अपनी परवाह नहीं की और धर्म की स्थापना कर ली। तो ऐसे ही कोई भी धर्म हो, धर्म के धक्के सहन करने पड़ते हैं, अपनी देह की चिंता उनको जैसे नहीं ली। और धर्म पिताएं जो भी होते हैं उनको भी तो धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं ना, तो दुख झेलते हैं कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही वो तो अव्वल नंबर धर्म पिता है, अव्वल नंबर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं तो दुख जास्ती भोगेंगे सभी धर्म पिताओं के मुकाबले या कम भोगेंगे? जास्ती दुख भोगेंगे। तो इसीलिए देखो जैन धर्म वालों ने भी लिखा है क्या कि ब्रह्मा का जो बड़ा पुत्र था ना, सबसे बड़ा पुत्र, पहले पहले है, जिसको बड़ेपन का टाइटल मिला था कि वो योग ईश्वर है, योगियों का ईश्वर है और ज्ञानियों का भी ईश्वर है, शासक है, तो बड़ा हुआ ना। तो ऐसे बड़े सनत कुमार जिसका नाम रखा जाता है तो चार कुमार ब्रह्मा से पहले पहले पैदा होते हैं ना, उनमें बड़े थे बड़े ज्ञानी, बड़े थे बड़े योगी का नाम सनत कुमार। तो उस सनत कुमार के लिए जैन धर्म में भी लिखा हुआ है कि वो सनत कुमार कल्प उन्होंने एक नाम दिया है, उसमें सनत कुमार को तो बहुत दुख भोगना पड़ता है, जिसमें ऐसी पावर आ गई योग की कहो, वशीकरण की पावर कहो, तो उसका नाम टाइटल में पड़ा योगीश्वर सनत कुमार। तो वो जो सबसे ऊंचा धर्म, सबसे पुराना धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म है और उसको जन्म देने वाला जो धर्म पिता है उसका नाम क्यों नहीं गाया गया है? तो भक्ति मार्ग में उसका नाम कोई नहीं जानता, वो ऐसा गुप्त पाठधारी है। ऐसे भी नहीं कि द्वैतवादी भक्ति मार्ग में रावण राज्य में, दस सिरों वाले राज्य में, प्रजातंत्र राज्य में, जो कलयुग के अंत में प्रत्यक्ष होता है, वो अंत तक गुप्त ही रहता है? नहीं, नियम है छुपा रुस्तम बाद में खुले। तो कलयुग के अंत में जब डायरेक्टर बाप इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के सारे ह्यूज ड्रामा की रिहर्सल कराते हैं, तो वो ऊंचे ते ऊंचा पाठधारी, जो ऊंचे ते ऊंचा धर्म है, जिसका गायन मुसलमानों में आज तक भी चलता है, अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचते ऊंचने
आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसका धर्म पिता सनत कुमार। सनत कुमार धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ा सनातन धर्म। अम्मा के रूप में आकर बच्चों को वर्षा देता है सुख शांति का, या बाप के रूप में सुख शांति का वर्षा देता है? बाप के रूप में देता है। वो बाप पांडवों का बाप है। पांडव गुप्त होकर के भ्रमण करते हैं, ये प्रत्यक्ष रहते हैं, तो बाप कितना गुप्त होगा? तुम्हारा दान मान पुरुषार्थ प्राप्ति सब कुछ गुप्त है। उन्होंने गीत बनाई दिया है, भक्ति मार्ग वाले तो गीत ही गाते हैं ना, गुप्त वेश में सतयुग रचने आया शिव भगवान, अब तो जाग जागे इंसान।